जिला न्यायाधीश और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडलेश्वर बी आर पाटिल की उपस्थिति में 4 मार्च को कसरावद में विधिक साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त कार्यक्रम में जिला न्यायाधीश अध्यक्ष विधिक सेवा प्राधिकरण मंडलेश्वर बी आर पाटिल के साथ अपर जिला न्यायाधीश और सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडलेश्वर भारत सिंह रावत, कसरावद से न्यायाधीश संतोष सैनी वर्ग 1, अजय सिंह यादव न्यायाधीश कसरावद, जिशान खान जिला विधिक सहायता अधिकारी, अभिवक्ता संघ के अक्षय राठौड़, कसरावद थाना प्रभारी संजय द्विवेदी, पैरा लीगल वॉलेंटियर अकील खान के साथ बड़ी संख्या में कसरावद ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले कोटवार महिला बाल विकास से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका, स्वास्थ्य विभाग से आशा कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत सचिव और पटवारी उपस्थित रहे। उक्त कार्यक्रम में जिला न्यायाधीश अध्यक्ष विधिक सहायता बी आर पाटिल ने बताया कि कोटवार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका आशा कार्यकर्ता ग्राम पंचायत सचिव पटवारी गाँव के अहम व्यक्ति है, जिससे गांव में रहने वाले सभी लोगों की समस्या के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी सदैव रहती है। इस कारण विधिक जागरूकता फैलाने में इनकी अहम भूमिका है। कसरावद से अकील खान की रिपोर्ट। जाननी चाहिए तो आप निश्चित रूप से हमारे यहाँ जहाँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यालय है वहाँ आ सकते हैं, तहसील में तो तहसील आ सकते हैं। निश्चित रूप से आपका चाहे किसी तरह की समस्या हो उसका समाधान करने का हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। और आप अगर आर्थिक रूप से विपन्न है, आर्थिक रूप से आप इस तरह की सहायता प्राप्त करने में असमर्थ अपने आप को पाते हैं तो उसमें भी हमारी ओर से मदद की जाएगी। जैसा कि राहुल साहब ने बताया था कि पीड़ित प्रतिकर योजना भी हमारे यहाँ संचालित होती है, जिसमें अपराध घटित होने के बाद जो पीड़ित होता है, चाहे वो महिला हो चाहे और कोई भी बच्ची हो, तो उसको पीड़ित के रूप में प्रतिकर की राशि प्रदान की जाती है। अगर बहुत गरीब व्यक्ति है और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसकी मदद भी ले सकते हैं। ऐसी मदद न केवल पीड़ित पक्षकार को बल्कि जिसने अपराध किया है उसके परिवार को भी सहायता दी जाती है। तो ये एक महत्वपूर्ण योजना है जो अभी संचालित हो रही है। इस संबंध में आप लोगों को गांव में जाकर सबको जागरूक करना चाहिए और बताना चाहिए कि इस तरह की योजना संचालित हो रही है और उसकी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उसने मोबाइल को अपना पूरा समय देना शुरू किया और जब पता चला कि उसकी जो मानसिक स्थिति है वो बिगड़ चुकी है, डॉक्टर के पास जब उसे ले गए तो उन्होंने कहा कि इन्हें तो रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजना पड़ेगा और उनकी मानसिक दशा सुधारने के लिए उसको सुधारने में रखा जाएगा। उसकी स्थिति ऐसी थी कि अगर माँ किस बात के लिए बोलती थी तो उस पर वो चढ़ जाता था, पिता अगर उसे कुछ कहे तो उस पर चढ़ जाता था। तो इस तरह का जो मानसिक अवसाद बच्चों के दिमाग में भर होता है उससे निकालने की जिम्मेदारी आपकी हमारी सबकी है। मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि आप अपने बच्चों को जरूर ऐसी सुविधाएं दे जो आज के समय की जरूरतें हैं, लेकिन उसको एडिक्ट न बनाए, उसको इतना आगे न बनाए कि वो उसके बिना रह नहीं सके। आजकल ये देखने में आ रहा है कि छोटे छोटे बच्चे हैं बिना मोबाइल के वो दूध नहीं पीते हैं, खाना नहीं खाते हैं, मां से जिद करते हैं कि पहले आप मोबाइल चलाओ उसके बाद में खाना खाएंगे। ये स्थिति बड़ी विषम स्थिति है और इससे निपटने की जिम्मेदारी हम सभी की है। तो मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि आप जहां भी हैं वहां अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें और इस तरह की जो बुराइयां हैं उसको दूर करने में भी मदद करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।